जागत जोत शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिस विच दर्ज पावन गुरबाणी मनुख नूं अध्यात्मकता ते मानवता दा उपदेश दिंदी है। गुरबाणी अंदर मनुख दी हर समस्या दा हल ते हर सवाल दा जवाब मौजूद है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोई। सम्मत 1661 भाव 1604 ईस्वी नूं खंड श्री हरिमंदर साहिब विच पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश होया। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी। गुरु बाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने तो पहले गुरु साहिबान भगत साहिबान भट्ट साहिबान अते चार गुरसिखा उत्ते उतरी बाणी नूं इकट्ठियां कर आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब रूप विच पोथी बनी। सम्मत 1660 भाव 1603 ईस्वी नूं गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब दे स्थान ते गुरु अर्जन देव जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब दी पोथी बनन दा कार्य आरंभ करवाया। पोथी लिखन दी सेवा दा मान भाई गुरदास जी नूं प्राप्त होया ते इस सेवा उच्च संत दास हरिया जी सुखा जी ते मनसा राम जी ने सहयोग दिता। सम्मत 1661 भाव 1604 ईस्वी नूं इह कार्य संपूर्ण होया अते इसे साल भादो सुदी एकम नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहला प्रकाश कीता गया। बाबा बुड्ढा जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़ नूं अपने सीस उते रख गुरुद्वारा रामसर साहिब तो श्री हरिमंदर साहिब विखे लैके आए। इस दौरान गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं चवर करते रहे। इस सब दौरान संगतां दी खुशी ते उत्साह अलौकिक सी। नगर कीर्तन दी इह परंपरा अज वी बरकरार है अते हर साल पहले प्रकाश पुरब वाले दिन गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तक रूहानी नगर कीर्तन सजाया जाता है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर बाबा बुड्ढा जी ने प्रथम ग्रंथी के तौर उत्ते पहला हुक्मनामा लिया। बाद विच दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवंडी साबो विखे नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी शामिल करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता की अते अपने अंतले समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु गद्दी बख्श के सिख कौम नूं बाणी ते बाणी नाल जोड़न दा हुक्म दिता। आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे संपूर्ण स्वरूप की गल करिए ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कुल 1430 अंग हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी 32 रागां च है। गुरु अर्जन देव वल्लों पोथी बनन वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 30 राग सन ते उस वेले 34 महापुरशां दी बाणी दर्ज सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मौजूदा स्वरूप विच 36 महापुरखां दी बाणी दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 6 गुरुआं श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु अंगद देव जी श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु अर्जन देव जी अते नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 15 भगतां 11 भट्टां ते 4 गुरसिखां दी बाणी दर्ज है जो सर्ब सांझीवालता दा सुनेहा दिंदे होए मनुख नूं लोक सुखिए पर लोक सुहेले बनन दा राह दसदी है। न्यूज डेस्क तो मनजीत विश्वास की रिपोर्ट दर्शन टीवी।